हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज करने वाले हैं हम लिप ब्लशिंग, लिप टिंट बोल लो, लिप ब्लशिंग बोल लो। तो ये करने वाले हैं, लिप को न्यूट्रलाइज भी करते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं लिप ब्लशिंग। लिप ब्लशिंग करने के लिए सबसे पहले हमने लगाई है नमी क्रीम। उसके बाद हम एक आउटलाइन बनाना स्टार्ट करेंगे अपनी मशीन के साथ। पूरे लिप को आउटलाइन देने के बाद ही हम उसको फिल करेंगे अच्छे से। एंड प्लीज़ आप लोग ये घर में ट्राई मत करना, क्योंकि इसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा नीडल लगती है, कौन सी मशीन होती है, कौन सा पिगमेंट लगता है। तो पिगमेंट को हम एक्चुअली करते क्या है, पिगमेंट को हम लिप के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, तभी हमारे लिप का कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं बहुत आराम आराम से कर रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी डरी हुई थी। और उसके बाद भी फाइनल हो ही गया, और फाइनल रिज़ल्ट आप देखना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। एंड स्वेलिंग होती है, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। स्वेलिंग होने से 2 या 3 दिन में आपकी स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी। एंड आपके लिप्स नेचुरल ऐसे हो जाएंगे जैसे लिपस्टिक लगा रखी है आप लोगों ने, ठीक है। तो डरना नहीं है किसी को। सो कौन कौन करवाने वाला है लिप ब्लशिंग मुझे कमेंट का सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये कोई हार्मफुल नहीं होता, इससे कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही अच्छे से इसमें लिप में हो जाता है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस आपको 7 डेज का कुछ बताया जाता है कि आपको 7 डेज क्या क्या नहीं करना है, वो प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। देन उसके बाद आपके लिप बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले हैं। तो चैनल को